हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ जयनगरेर मुआ। तो ये बनता है लाई से। ये लाई आप लोग जानते हैं, मेरा करीब 200 ग्राम लाई था। और ये है खजूर का गुड़। मेरे पास ये मेल्ट वाला नहीं था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो मैं इसे को मेल्ट कर लूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला के इसको मेल्ट करना है, क्योंकि पानी नहीं मिलाएंगे तो वो पूरा स्टील है तो नीचे लग जाएगा। अब एक कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में एक कप वो गुड़, लिक्विड गुड़ वो डाल दिया मैंने। और उसमें करीब 2.5 कप पानी डाल देंगे। इसको गुड़ का एक सिरप बना लेंगे। तो इसको पानी डालने के बाद अच्छी तरह से हिलाते हुए इसको पका लेंगे। गुड़ और पानी एक साथ घुल जाएंगे तो करीब 4-5 मिनट इसको पकाएंगे। अब इसे अलग कटोरी में रख देंगे और कढ़ाई में 1 कप चीनी दे देंगे। उसके साथ 1.5 कप पानी मिला देंगे। अब इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। आँच आप तेज ही रखिएगा, बस शक्कर एकदम मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम लोग इसमें 1 कप फिर से वो लिक्विड गुड़ डाल देंगे। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ना ये एक तार की चाशनी बन जाए, एकदम मस्त, एकदम एक पतला सा धागा टाइप का बन जाएगा। तब तक इसे पकाते रहेंगे। जैसे बन गया, इसको मैंने आंच बंद कर दिया। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लाई को उसमें मिलाते जाएंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे पूरे लाई को। एकदम अलग अलग हो जाएंगे एक एक दाना। बस अब इसमें 2 करछी ये गुड़ वाला सिरप डाल देंगे। अब अपने जितना आपका लाई रहेगा उस हिसाब से आप डालेंगे। मैंने 2 करछी डाल दिया। बस इसे ऐसे ही 7-8 घंटे ऐसे ढक के रख देंगे। अब मेरे ये 8 घंटे हो गए हैं। बस ये भी एकदम लाई एकदम सही हो गया है। अब इसमें मैं 100 ग्राम मावा था उसको डाल दिया। मेरा ये थोड़ा फ्रेश था मावा। आप सूखा मावा भी ले सकते हैं। और इसको एकदम दबा दबा के मैश करना है और एक साथ मिला देना है। अब इसमें मैं गुड़ का सिरप मिला रही हूँ। ये करीब 1.5 चम्मच मैंने डाला। और फिर से अच्छा, इसमें मैं 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया और साथ में 1 चम्मच मैं घी डाल दूँगी। अब इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस दबा दबा के मिक्स करना है। बस अब इसके बड़े बड़े लड्डू बना लेंगे।
ये लड्डू बन गए। अब मैं गार्निशिंग के लिए ऊपर से ये किशमिश डाल दे रही हूँ। ये हो गया जयनगर का मुआ। जयनगर वेस्ट बंगाल का एक जगह है जहाँ ये बहुत फेमस है और बंगाली लोग बहुत पसंद करते हैं। आप लोग ट्राई करना और बताना कैसा लगा। ओके, बाय बाय।